मैं छोड़ करके आ गए हैं, सबसे पहले इसको मना लिया जाए। और क्या, पतिदेव पहले बहुत डांटते हैं फिर मन भर के शॉपिंग कराते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। तो जी आप देख रहे होंगे हम पूरा पैक है एकदम, और पैक इसलिए है कि हमको बाहर जाना है, और बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया है और डॉक्टर से भी लगभग लगता है 2 साल से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया आई का। तो आज हम अपना आंख भी दिखवा लेंगे उनसे, और जो भी चश्मा का नया नंबर लगेगा फिर नया चश्मा बनाएंगे। बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमको आंख दिखाना है, दिखाई नहीं रहे थे, बस आलस में कहे कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है अपना। लेकिन कल क्या हुआ कि चश्मा जो है उसके ऊपर हम बैठ गए और वह चश्मा टूट गया, किसी काम का नहीं रहा। बैठ गए थे उसके ऊपर, हम बैठे थे, तुम्हारे बैठने से टूटेगा कहाँ से? रुई से कुछ टूटता है? रुई है ना? नहीं चिड़िया है। देखिए जी क्या बन रहा है, चना का सब्जी। अच्छा कद्दू भी है साथ में, कद्दू चना का सब्जी, ये भी अच्छा लगता है खाने में। साथ में इधर चाय तो बन ही रहा है। बहुत बढ़िया, ये कर रही है अपना काम और हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास, जल्दी से अपना आंख दिखा लेते हैं, बिना चश्मा के हम काम भी नहीं कर पाते हैं। 20 minutes later। तो जी हम आ गए हैं यहाँ क्लिनिक और अपना नंबर लगवा दिया है, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। उस दिन एक अच्छी बात यह रही कि ठंड की वजह से ज़्यादातर लोग आए नहीं थे क्लिनिक में, तो मेरा भी नंबर जल्दी से आ गया और अपने आँख का इलाज करवा लिया। A few moments later। आ गया डॉक्टर से, दवाई लिखी थी, दवाई ले लिया, अब चश्मा लेना। तो लेकिन चश्मा लेने के लिए दिया के साथ ही आएंगे, मार्केट आना है दिया के साथ, कुछ खरीदना था माँ के लिए और दिया को भी कुछ खरीदना था। A few moments later। जी हम पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंच कर मैच का आनंद ले रहे हैं। मैच बड़ा रोमांचक हो चुका है, कितना है, 16 ओवर में लगभग 64 रन चाहिए जीत के लिए, बड़ा ही रोमांचक मैच हो गया है। और उस बीच में हुआ क्या, मैच देख रहे थे और जिया जो है उस टाइम चिढ़ाए जा रहे थे, जब मैच के एकदम रोमांच पर आप पहुंचे, एकदम एक्साइटमेंट पीक पर है, उस टाइम आपको कोई काम के लिए कह देता है थोड़ा सा गुस्सा उठ ही जाता है, तो मैंने गुस्से में कहा हटो बाद में करेंगे, तो बेचारी अब नाराज हो गई है। इधर देखो नहीं। तो मैच छोड़ करके आ गए हैं, सबसे पहले इसको मना लिया जाए। झूठ का मैच क्या हो गया, मैच का अभी 15 ओवर तक ही है, ये भलाई का जमाना नहीं है। आपको कौन बुलाया, कोई नहीं, आप अपने आ गए, अपने आ गए। लग रहा है कि अब साबुत बन गई है, बन गई है। तो अब हम जाते हैं मैच देखने, पता नहीं मानी है कोई बात नहीं, मैच देखने की बात बना लेंगे। 14 ओवर बचा है, आ रहे हैं, 14 ओवर होने में लगभग लगेगा आधा घंटा एक घंटा ज्यादा सर, ठीक है आते हैं। आ गए हैं नीचे मैच देखने अब, और यहाँ अपना टीवी है, टीवी में लगा दिए हैं मैच, हम दोनों यहाँ देख रहे हैं, और एकदम चिपके हुए टीवी से, अब लग रहा है कि इंडिया जीतने वाला है। और ऋषभ पंत जी जबरदस्त खेला है ऋषभ पंत ने। A few moments later। और फाइनली हम लोग जीत गए हैं, मजा आ गया जी मैच देखने में, टेस्ट मैच में एकदम लग रहा था कि 2020 वाली फील। और अब जल्दी से जाते हैं खाना खाने, खाना लगा आइए, खाना लेके जाना है, खाना तुमने पहुंचा सकती थी। बहुत आज का खाना ये है, क्या है, कद्दू और चना की सब्जी, रायता, आलू का भुजिया, साग, दाल, चटनी, इधर से सलाद, आज आइटम भर भर के हैं, जैसे चावल भी लगाओ, भूख लगी है बहुत। यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा अच्छा खाना बना है, और सब इनके पसंद का बना था। आज हमको सुबह सुबह बोले थे चना डाल के आज सब्जी बनाइएगा, जब बन गया सब्जी बाद में बोलते हैं आज कौन सा दिन है, बोले मंगलवार, फिर याद आया जा आज तो फर्स्ट। और इनके लिए ही ये इतना अच्छा सब भुजिया बनाए थे जो कि आज नहीं खा सकते हैं, बड़ी दुख की बात। फिर जी हम और जिया बैठ गए साथ खाने के लिए, और उस दिन जी सच में जिया ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, और स्पेशली मेरे भाई को अपनी भाभी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, और भाभी भी एकदम देवर से उसकी फरमाइश जान जान कर खाना बनाती है, आजकल हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है जब से देवर जी आए। तो जी अब चल रहे हैं मार्केट, हम अपना जल्दी से जाके चश्मा बनवा लेते हैं, चश्मा के बिना आंख भी कितना सुना सुना लग रहा है, अजीब सा ही शक्ल लग रहा है। तो जल्दी चलते हैं मार्केट, और जिया को भी कुछ खरीदारी करनी है अपने लिए भी और माँ के लिए भी, तो चलते हैं जी।
थोड़ा सा अलग भी ट्राई करना चाहिए। चलो देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। उसके लिए ब्लू कट आया है, इनकी क्लियर में सेफ करता है, ब्लू कट में एकदम ब्लॉक करता है जैसे, है ना, ये शाइनिंग खाली कम करता है, ब्लू बोल्ट में कवर करता है। मैंने पढ़ा शादी से पहले भी हम यही चश्मा बनाए। मेरी वाइफ है ये भी, मेरी वाइफ ये भी आपकी कस्टमर। हाँ बिल्कुल, जो कि चश्मा तो हमने बनने दे दिया है और इस बार कुछ अलग तरह का चश्मा चूज किया है जो कि आपने देखा भी कुछ देर पहले, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका। बाकी पहले वाला जो चश्मा था बड़ा कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी भारी नहीं लगता था, लेकिन थोड़ा अलग ट्राई करना था। तो अब चलते हैं जी, बाकी कुछ सामान सब खरीदना है वो भी खरीद लेते हैं। A few moments later. तो जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लगातार आते रहते हैं, तो जो भी पहले से ब्लॉग देखते रहे हैं आपको मालूम होगा हम कहाँ आए हुए हैं, जिनको नहीं पता बता देते हैं हम आए हुए हैं रिलायंस ट्रेड। चलते हैं अंदर कुछ खरीदारी करते हैं। ठीक है, हमारी खरीदारी और अब चलते हैं वहाँ पर, चश्मा भी हमारा बन गया होगा, एक घंटा से ऊपर हो चुका है। अगर आपको कोई बोले ना घंटे बाद आइए, दो घंटे बाद आइए, कुछ आपको लगा देगी, चाहते हैं कि क्या एक घंटे के लिए घर जाएंगे, दो घंटे के लिए घर जाएंगे, आपके साथ में कोई लेडीज है उसको शॉपिंग मॉल लेके आ जाइए। एक घंटा ऐसे कटेगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा, रामबान तरीका है टाइम बिताने का एक घंटा। तो जी हम पहुंच गए हैं घर और ये वाला चश्मा लिया है हमने। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये वाला चश्मा तो देखा है पहले भी, तो हाँ जी यह जो चश्मा है यह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब मैच चल रहा था आज से कुछ दिन पहले उस समय लिया था। यह जो वीडियो है यह कुछ दिन पहले का ही है, आज मिला जुला करके उसको एडिट करके आपको दिखा रहे हैं। और क्या बोलना चाहेगी, और क्या पतिदेव, पहले बहुत डांटते हैं फिर मन भर के शॉपिंग कराते हैं। क्यों थे आप लोगों ने कारण देखा, अपने पतियों से पूछिए, परेशान है हम क्रिकेट से। अपने पतियों से पूछिए, क्रिकेट जब चल रहा होता है तो कहाँ पर भावनाएं होती है, और खास करके मैं जब रोमांचक हो जाए तो, और उस समय में कुछ कोई डिस्टर्ब कर दे थोड़ा सा तो नाराजगी हो ही जाता है। कुछ सजेशन मांगा था कि आप लोग कुछ आइडिया दीजिए कि किस पर हम वीडियो बनाए, तो ढेर सारे सजेशन आए, ऐसे जो आइडिया वहाँ पर बड़ा कॉमन लगा जो बहुत लोगों ने दिया कि आप सर डेली लाइफ स्टाइल का जो वीडियो है आप डालते रहिए बड़ा अच्छा लगता है, और जो है आप फूड चैलेंज का भी वीडियो डालिए, चैलेंज में भी ढेर सारे चैलेंज सजेस्ट किया था हमने, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों ने बोला वह था फूड चैलेंज। तो आपसे हम फूड चैलेंज पर भी वीडियो लाएंगे और उम्मीद करते हैं वह वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अब इसी उम्मीद करते हैं कि ये जीते ना, क्योंकि हर बार फूड चैलेंज में जीत जाते हैं। और जो है हम रहेंगे, मेरा भाई रहेगा और ये रहेगी, वो तीनों मिल करके फूड चैलेंज करेंगे, हाँ फिर मजा आएगा। तो जी इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, आपकी एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।